तो इधर मेरी बात सुनो, ये गाना तो मैंने अपनी एंट्री पे बजवाया था, तुमने कैसे लगवा लिया? पता नहीं यार, मैंने बोला किसी गरीब आदमी का गाना लगा दो, उन्होंने ये लगा दिया। कपूर शर्मा एक बात बताइए, ये लावा प्रेजेंट है के प्रावा प्रेजेंट है? ये आपके दोस्त तो खत्म ही नहीं हो रहे, और भी तीन चार खड़े हैं बाहर, तो बुला लीजिए फिर। हेलो, इधर को मजे लेने नहीं आया, अपने दोस्त की दुकान बचाने आया हूँ। तू मेरी दुकान बचाने क्या, अपने शुरू करने के लिए आया है? ये बात सही है, इतनी प्रॉब्लम किसी को मंडे के आने से नहीं होती है जितनी इस आदमी के आने से हो रही है। ओ उबले हुए भालू, एक तो थोड़ा उधर रह, हम दोस्तों के बीच में तू मत आ। देखो दोस्तों के बीच आई वो तो छोड़ दो, अगर दोस्तों के ऊपर आ गई ना तो ये बचपन के दोस्तों की चटनी बन जाएगी। ओ बम्पर, खबरदार, अगर मेरे दोस्त के साथ जुबान लड़ाई तो हथौड़ा मार इसके सर पे। ओ गद्दार दोस्त। सिद्धू भाजी दोस्त बनाए थे हमने के वक्त पे काम आएंगे, अब काम का वक्त आया तो ये दोस्त कटप्पा बन गया। देखो ऐसी बातें करता तभी नहीं बुलाते तुझे। कपूर तू तो ऐसी बातें मेरे साथ मत किया कर, पता है इसको यहाँ पे कौन लेके आया? पाजी मैं। अच्छा? 3 महीने इसको रोज घर में समझाता रहा हूँ कि यहाँ आ यहाँ आ। हाँ मुझे समझाता रहा, कहता जा जा शो में, तेरे बहाने मेरी भी एंट्री हो जाएगी। तेरी क्यों ऐसे, लड़ने से कुछ नहीं होता है, मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये वाला। अभी मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आ गया ना, मुझे सूझ गया कि तुम दोनों के साथ क्या करना है, इसी रास्ते से वापस आऊंगी, फिर तुम दोनों को रास्ते पे ना ले आई तो मेरा नाम बदल देना। आए बड़े। इधर यार, तुम इधर करने क्या आए हो सब बताओ। कुछ नहीं यार, मैंने कहा ईद आई थी तो मैं भी आ जाता हूँ। तू सलमान खान है जो ईद पे निकल आता है? चलो नहीं, सलमान खान ने ट्यूबलाइट तो है ना बेचारा। कोई बात नहीं पाजी, ट्यूबलाइट लेट जलती है पर पूरी रोशनी देती है बाद में। इधर करने क्या रही है बता। यार तुम दोनों इकट्ठे हो, मैं बेस्ट विशेस दे आता हूँ, मैं भी जाती। ये बेस्ट विशेस देने के लिए आता, बाद में चेक लेकर चला जाता ये। यार चेक का भूखा नहीं हूँ। हाँ। तो कैश दे दे। देखो भीख देखो पाजी, भीख मांगने कैसे कैसे तरीके हैं, चेक दे दे, कैश दे दे, ऐसे नहीं सुधरेगा लोग। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ए 2 टिकटें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट की। हाँ जी, किसी को कुछ समझाना है मैंने। ऑस्ट्रेलिया में तेरे साथ अच्छा हुआ था कपूर, तू ठीक था। शट अप, मुझे बीच में मत लाओ, मैं नहीं आजकल किसी के बीच में बोलता। ये पुराना एपिसोड चलाया था ना, तुम नजर नहीं आती उसमें। हमारी एग्जिट हुई थी तो तुम्हारी एंट्री हुई थी। कोई गल नहीं, खुशी की बात है, वैसे लॉन्ग टाइम नो सी। या इट इज वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आई वाज बिजी इन माय समथिंग बिजनेस। मेरा यार आज भी नहीं बदला, उतनी गंदी इंग्लिश आज भी। अच्छा देखो पाजी, जज कौन कर रहा है? प्रोफेसर फर्नांडिस। कपिल शर्मा, मैं शो में आ गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला के साथ ना अफेयर वगैरह करवा दो। वाह, जरा सा हेलो क्या कह दिया, इसका तो हौसला ही बुलंद हो गया। और 2 रुपए का गुड़ खा मखा श्रीखंड हो गया। खैर अपना सरल, आज का क्या प्रोग्राम? सरल सरल। No, I'm very difficult. I'm not subtle. और वैसे भी बड़ा रूहाना प्रोग्राम है। Very good. ईद है तो ईद पे गले नहीं मिलेंगे भाईजान। पुड़गो पर। उतनी पाजी मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं बुरी लगी थी जितनी ये बुरी लग रही है। मेरी बात सुनिए, ये बातें भाईजान वाली मेरे साथ नहीं करनी। वो देखो नेशनल पाजी बैठे हुए, उनके गले लगो जाके। खबरदार खबरदार, मेरे होते हुए अगर सिद्धू जी को कोई गले लगाया तो। ठीक है सरला, तू मेरे गले लग जा। तुम क्यों मेरे गले लगोगे? मैं कप्पू के गले लगूंगी। मैं मौत के गले लग जाऊं, तुम्हारे गले लग जाऊं? यार आपस में मत लड़ो सरला, आई एम टेलिंग, गिव मी हग। व्हाट? मतलब ईद निकल चुकी है, सवैया नहीं खाई हमने,
हाँ तो है ना, अंदर एक पेशेंट है, उसके परिवार वाले सिवैया लेके आए हैं, सब साथ में जाके लूटते हैं। अच्छा वैसे ईद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना? क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? गला ही नहीं है, मिलोगे क्या? देखो लड़ो मत। हाँ जी। तुम लोग एक काम, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? आज यहाँ पे ना कवि सम्मेलन होने वाला है, तुम लोग फटाफट जाओ, तैयार हो जाओ और कहीं दूर निकल जाओ, ठीक है? फटाफट जाओ। चलो कवि आ रहे, मैं तैयार होके आती हूँ। चलो चलो फटाफट तैयार होके आते हैं।